नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और जो सच्चाई है आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मैम जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? लता गोड। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं करनाल से हूँ, हरियाणा। कितने सालों से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ और जहाँ तक मुझे मतलब होश आया है तो मैं 2002 से हूँ मैं डेरा से। तो अब आप लगा लीजिए 20 आ गया है, तो 21 आ गया इनफैक्ट, तो हो गए होंगे 18 साल तक, तो हो गए होंगे 18-19 साल, तो तब से हूँ मैं डेरा से। इतने लंबे समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, कभी आपने यहाँ पे कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये एक धर्मस्थल है। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर तो फिर भी कुछ नीचे है, ये तो उससे भी कुछ कहीं तो ऊपर है। तो यहाँ सेफ किए का तो वर्ड ही नहीं बनता कि ऐसा कुछ हम मतलब कि ऐसा कुछ हम वर्ड सोच भी सकते हैं कि सेफ भी कि क्या सेफ क्या चीज़ है। यहाँ तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, भगवान के पास हम फील करते हैं, ऐसा यहाँ फील करते हैं। क्या कारण है इसे टूट विश्वास का? हमारा दृढ़ विश्वास अपने गुरु के प्रति, उनकी अच्छाइयाँ, उनके हमारे जिंदगी पे होते चमत्कार, दिन प्रतिदिन होते चमत्कार। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे गुरु जी हमें अच्छी राह दिखाते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं, जिससे हम उसको उस प्रॉब्लम को मतलब जहाँ हम पहले कहीं मतलब सोच भी नहीं सकते थे, सुमरण करने के बाद गुरु की शिक्षा के बाद हम उस प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सोल्व कर लेते हैं कि बस पूछो मत। सर, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने समाज की भलाई के लिए क्या कुछ किया? मेरे पिताजी जो हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन्होंने इतना किया है डेरे के लिए छोड़ो, समाज के लिए इतना किया है कि जहाँ लड़कियाँ सेफ महसूस नहीं करती वहाँ उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि जहाँ जैसे कि नीच सबसे लोएस्ट ले लो आप, जहाँ वेश्या है वो भी मेरे पिताजी ने उनको अपनी बेटी बनाया, उनको इलाज करवा के उनको एक अच्छी ज़िंदगी दिलाई। और इससे ज़्यादा तो क्या होगा, जैसे सफाई है, सफाई अभियान, ये तो सरकार ने बहुत पीछे चलाया था, हमारे गुरु ने सबसे पहले चलाया है। तो और भी कई कार्य हैं कि सिकंदर का विवाह करवाना जो कमज़ोर वर्ग से है, या लगा लो आप कोई भी काम लगा लो, जो बीमार है उनकी सेवा करना, जो गरीब हैं उनकी जिस तरीके से आप सेवा कर सको तन मन धन से, ऐसे भी 500 से ऊपर लगा लो आप, ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे गुरुजी ने चलाए हैं और हमारी संगत उसको फॉलो भी कर रही है। ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स क्या है? ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स एक लगा लो जैसे हमारे देश में आर्मी है, वो क्या करती है हमारे देश के लिए? जब हमारे देश को किसी दूसरी कंट्री से लगा लो कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ खड़ी रहती है। तो इस तरीके से ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स हमने गुरु जी ने समाज के लिए बनाई है, वो तो एक देश के लिए, हमारे गुरु जी समाज के लिए बनाई है। जब भी किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, या किसी को भी किसी तरीके की मदद की ज़रूरत हो तो हमारी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स वहाँ पहले खड़ी होती है। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसके लिए गुरु जी ने क्या कुछ किया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गुरु जी ने काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन मुक्त कराने के लिए पेड़ लगाने के लिए बोला है। और जैसे जब भी हमारा गुरुजी का कोई बर्थडे आता है या हमारे परमपिता शास्त्री नाम जी का बर्थडे लगा लो, अभी 26 जनवरी को तो, और मस्ताना जी का बर्थडे है, और मैं हमारे गुरमीत राम रहीम सिंह जी, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का बर्थडे है 15 अगस्त को, तो उस टाइम हम ये नहीं देखते कि केक काटना है या कुछ ऐसी पार्टियां करनी है, हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इंसानियत के कार्य करेगा, पेड़ लगाएगा। और ये पेड़ लगाना ही सबसे बड़ा काम है मेरे ख्याल से तो एनवायरनमेंट के लिए। और मूवीज़ जो हैं गुरु जी ने वो क्यों बनाई हैं? मूवीज़ अब देख लो हमारा यूथ है मूवीज़ की तरफ ज़्यादा भागता है, जहाँ एंटरटेनमेंट हो वहाँ भागता है, जहाँ फैशन हो वहाँ भागता है। तो गुरु जी एक ऐसे टीचर हैं, जैसे अगर टीचर पहले ओल्ड टाइम में टीचर होते तो वो डंडा मार देते थे, बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। अब टीचर PGT लगाते हैं, ये पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं या कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटी कराते हैं। तो इसी तरीके से गुरु जी एक हमारे एडवांस टीचर है हमारे समाज के लिए। तो उन्होंने ये काम किया कि अगर दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा भाग रही है, फिल्मों की तरफ ज़्यादा भाग रही है, तो फिल्मों को हम क्यों ना सत्संग में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम उनको ऐसी समझ सिखाएं जहाँ ये वल्गैरिटी होती है, जहाँ अब्यूजमेंट होती है, वहाँ क्यों ना सत्संग की बात हो जाए। तो इस तरीके से गुरुजी ने यूथ को सत्संग में डालने के लिए, यूथ को लगा लो धर्म में डालने के लिए ये सब चलाया। और जो आरोप गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? ये तो सरासर झूठ है, हम भी थे वहाँ पे जब ये सब सिस्टम चल रहा था, तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा कर क्या रही है।
कि जहाँ पे आपको करना चाहिए, जहाँ चीन हमले कर रहा है, जहाँ बाहर के देश वाले हमले कर रहे हैं, जहाँ ड्रग माफिया या आप ठेके लगा लो, ठेके भी खुलवा दे रहे हो, वहाँ अगर आप कोई धर्म का काम कर रहा है आप उसके खिलाफ हो, मतलब आपको ड्रग माफिया पैसे देता है, धर्म वाले, धर्म देश आपके लिए कुछ नहीं है, समाज आपके लिए कुछ नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जितना हो सके आप अच्छाई को देखें, हमारी संगत के कामों को देखें, जहाँ लोग सत्संग किसी का, जैसे कहीं ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, लेकिन कई ऐसे साधु हैं, महात्मा है, जिनकी संगत उनके जाने के बाद वो सब काम भूल जाती है, लेकिन हमारी संगत, हमारे गुरु जी ने ऐसा नहीं सिखाया, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आपने हमारी सीख पर चलना है, तो वही सीख हमारी संगत फॉलो कर रही है, आप उन पर ध्यान दें, और जितना समाज की भलाई चाहते हो, हिंदू धर्म की भलाई चाहते हो या किसी भी धर्म की, इंसानियत की भलाई चाहते हो, तो ज़रूर इस बात पर गौर करें कि हमारे गुरु गलत नहीं हैं और उन्हें छोड़ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में कभी उन्होंने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य चलाए जाते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गुरुजी ने, गर्ल्स पावर के लिए बहुत कुछ किया है, ये लोग हमें बता रहे हैं। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।